हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी कैसे से हो? आई नो कि सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार देने के लिए। और फाइनली 280 सब्सक्राइबर हो गया है। माना कि 280 बहुत कम है, बट मुझको पता है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। सो 40 या 50 समथिंग तो आपके ना इजिली हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो कॉन्टेक्ट्स में होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर देते हैं। बट फिर 50 के बाद जो 280 तक जाने का सफर होता है ना, वो थोड़ा लंबा होता है। क्योंकि जब आप बोलते नहीं हो, क्योंकि आप शुरू में बोलते हो जिन्होंने करना होता है सब्सक्राइब कर देते हैं, और जिनको नहीं करना होता वो नहीं करते। बट अभी फाइनली 280 हो गया है, और जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। सो थैंक यू सो मच मेरे सभी सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली जो भी है यूट्यूब पे अभी 280 की। सो एंड लास्ट वीडियो पे प्यार देने के लिए थैंक यू उसके लिए भी। आज एक जो वीडियो है, हाँ माना कि बहुत मशहूर सिंगर नहीं है, कोई फेमस नहीं है, उनका फर्स्ट सॉन्ग है। बट जिन्होंने लॉन्च किया है, जो प्रोडक्शन हाउस है, जो कास्टिंग है, वो है डीएम स्टार की। सो डीएम स्टार एक न्यू दिल्ली की कास्टिंग एजेंसी है, जो काफ़ी सारे लोगों को मौका देती है, काफ़ी फ्रेशर्स को मौका देती है। तो उन्होंने अगेन एक सॉन्ग लिखा है, जिनके अंदर सिंगर भी फ्रेशर है, जो फीचरिंग में जो मॉडल्स जो एक्टर्स भी फ्रेशर है। तो अब मैं उनका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, तो आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी कास्टिंग कॉल्स आती है उनके पेज पे, तो आप लोग जो भी एक्टिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग, सिंगिंग वगैरह सब कुछ वहाँ पे चलता है। सारे एल्बम शूट होते हैं वहाँ पे, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उनको, प्रोडक्शन हाउस के लिए असिस्टेंट की सबकी उनको नीड होती है। तो डिस्क्रिप्शन में उनका पेज डाल दूंगा, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सो उन्हीं का एक सॉन्ग आया जिसका नाम है मंजूर है खुदा, तो आज उसी के ऊपर हम रिएक्शन देने वाले हैं। सो चलो शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप अभी न्यू हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो देखने के बाद में इसको शेयर भी कर दे अगर आपको अच्छी लगे, और लाइक और कमेंट करें ताकि मेरी वीडियो और लोगों तक पहुंचे। सो 2 दिन हो गए न्यू वीडियो नहीं आई, वरना रोज़ नई वीडियो आ रही थी। तो थोड़ा कोल्ड है, इस वजह से नहीं बना पा रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट अभी भी है। लेट्स गो, पर ट्राई करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं मंजूर खुदा, जो कि डीएम स्टार इंडिया प्रोडक्शन चैनल पे लॉन्च हो गई है। सो लेट्स गो, 4.1K व्यूज है वन डे में, लेट्स गो। धीमे धीमे सांसों में बसाया था जज्बातों में, खोकर तुझ में खुद को पा लिया था। अब कतरा कतरा पूछ रहा, बेबस क्यों है रातों में, क्यों तूने उस दिल को खो दिया। तेरा होकर जी उठा था, तुझसे ही हर दिन होता था। दी तूने क्यों ये सजा, मंजूर स्टार्टिंग के अंदर, मैं काफ़ी लाउड नहीं बोल पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, बट हो जाएगा। सो न्यू स्टार्टिंग के अंदर इतना अच्छा काम, मतलब मेरे को सिंगिंग वाइज कसम से अच्छी लगी, और लिरिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और जो सिंगर है वो यही है जो स्ट्रीमिंग हो रहा है अभी वीडियो के अंदर। सो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी यार सिंगिंग वाइज, जो लिरिक्स भी काफ़ी अच्छा लगा, कंपोज काफ़ी अच्छा किया गया है सॉन्ग को। और फर्स्ट टाइम है तो नॉट बैड यार, मतलब फर्स्ट टाइम अगर उनके चैनल पे ये, उन्होंने खुद एक म्यूजिक एल्बम खुद से, प्रोडक्शन हाउस पूरा उनका है, कास्टिंग उनका है, उन्होंने स्टार्ट वो फर्स्ट लॉन्च करा अपना सॉन्ग। सो मैं तो बहुत ही बढ़िया कहूँगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और गाइज, प्रॉपर अगर वीडियो वर्क देखे, वीडियो शूट वगैरह देखे, तो ज़्यादा लोकेशन का यूज़ ना करते हुए
कॉन्सेप्ट काफी अच्छा रखा है और ट्रांजेक्शन काफी अच्छे लगे मेरे को वीडियोस के। और लेट्स गो, आगे देखते हैं, फिर लास्ट में बात करते हैं टोटल। सांसों में बसाया था जज्बातों में, खोकर तुझ में खुद को पा लिया था। सेकंड का सॉन्ग है, मेरे को काफी अच्छा लगा। मंजूरे खुदा नाम है सॉन्ग का, सिंगर एंड लिरिक्स है नितिन शर्मा, कास्ट है इनकी निशी सक्सेना एंड मुकेश चौधरी की। स्पेशल थैंक्स टू दीपक मल्होत्रा, डीएम स्टार इंडिया। दीपक जो दीपक मल्होत्रा है वो फाउंडर है डीएम स्टार के। म्यूजिक बाय आदित्य चक्रवर्ती। सो वीडियो बाय कृतिक मल्होत्रा। सो ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, वॉइस काफ़ी अच्छी लगी, लिरिक्स काफ़ी अच्छे लगे। और एक तो मेरे को सबसे चीज़ ये लगती है कि बेशक अच्छा ना भी हो, बट जो चांस देते हैं ये डीएम स्टार इंडिया का जो पूरा कास्ट, जो भी प्रोडक्शन हाउस है, पूरी कास्टिंग है, मेरे को वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि काफ़ी फ्रेशर्स को उन्होंने मौका दिया है। काफ़ी सारे इनके वर्क है, सो उनके जितने भी वर्क है मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल डाल दूँ उनके, आप जाके देख सकते हैं, वो फॉलो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी कास्टिंग कॉल्स आती है, मैंने भी फॉलो कर रखा है। एंड गाइज ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो आप देखे जाके वीडियो को, मैं वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाए और कमेंट में मेरे को बताए कि आपको कैसा लगा सॉन्ग, फीडबैक दे और मेरे को फीडबैक दे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना ना भूले। एंड थैंक यू सो मच गाइज देखने के लिए पूरी की पूरी वीडियो, एंड मिलेंगे दोबारा से आपको अगली एक रिएक्शन वीडियो में। और कमेंट करके बताए कि आप कौन सी वीडियो पर चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ। एंड गाइज टाटा, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच अगेन। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।